अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद में आप सभी का खैर मकदम है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इस मुल्क के शहरियों पर आफत आई हुई और इस मुल्क के मुसलमानों ने इनकी खिदमत अंजाम देने के लिए अपनी जान जोखिम में न डाली। भारत की सबसे बड़ी यात्रा के तौर पर अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया जाता वजह रहे, जब पूरे भारत में बकरीद को लेकर तनाजा खड़ा करने की कोशिश कुछ हिंदुत्ववादी करने की फिराक में है। कई जगहों पर जानवरों को पकड़कर कुरैश बरादरी के लोगों को पीटने, यहाँ तक जान से मारने की कोशिश की जा रही हो, तभी कश्मीर के अमरनाथ यात्रा में फंसे लोगों को बचाने में सबसे ज्यादा अपना योगदान दे रहे थे वो कश्मीर के मुसलमान थे। दरअसल इस तरह की वारदातें फिरका परस्तों के चेहरे पर तमाशा तो होती हैं, इससे भी बढ़कर और भाईचारा की क्या बात हो सकती है। ईद होने के बावजूद भी मुसलमानों ने इस ईद को नहीं मनाई और हिंदू श्रद्धालुओं को बचाने के काम में लगे रहे। अब तक तकरीबन 50 के करीब श्रद्धालु हलाक होने की बात कही जा रही है। पिछले दो दिन से बादल फटने से कोहराम मचा हुआ था। भारतीय सेना ने भी बचाव काम करने की कोशिश की, लेकिन फौजी अफसरान ने इस बात को खुले तौर पर इजहार करते हुए देखा। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, अगर मकामी मुसलमान न होते तो शायद बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था और जानी नुकसान भी हो सकता था। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीरे आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ऐसे हसास जगह पर टेंट क्यों लगाने दिए, क्योंकि टेंट जो लगाए हुए थे वो बह चुके हैं और कई श्रद्धालु बहकर हलाक होने की भी खबर बताई जा रही है। और इन्हें किसने इजाजत दी थी, यानी कि ये टेंट लगाने की किसने इजाजत दी थी, इसकी लिहाजा तहकीकी कमेटी तश्कील दी जाए, ऐसा इनका मुतालबा है। हादसा कैसे और क्यों हुआ, जबकि सभी जानते हैं अमरनाथ गुफा के नजदीक 12 इस तरह के मंजर इससे पहले भी देखे गए। यशवंत सिन्हा ने कहा कि इस हादसे की हकीकत को मुल्क के सामने लाया जाए, किसी भी चीज को छिपाने की जरूरत नहीं। खैर, इस बात की तस्वीरें मीडिया शायद दिखाना नहीं चाहती है, कैसे हमेशा की तरह मुसलमानों ने ईद ना करते हुए हिंदू श्रद्धालुओं की जान बचाई और राहत कामों में बकरीद ना करते हुए दिन रात जुटे रहे। हालांकि इस तरह की वारदातें 12 दिन की जाती है। यहाँ मजदूरी और श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा के रास्तों तक पहुंचाने का काम यहाँ के मकामी मुसलमान ही करते हैं। आखिर इस मौजू पर बोलने की वजह यह है कि भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब आजकल किसी को पसंद नहीं आ रही। यहां तक हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाला राजा सिंह, जो हैदराबाद का MLA है, इस कुदरती आफत में बाल बाल बच गया। अपने खानदान के साथ राजा सिंह, जो तेलंगाना भाजपा हिंदुत्व का चेहरा कहा जाता है, कई न्यूज चैनल वालों ने जब यहाँ की रिपोर्ट हासिल करने की कोशिश की तो फौजी अफसरान ने दिल खोलकर मकामी मुसलमानों की तारीफ फरमाई और कहा कि हमारे पास हेलीकॉप्टर्स तो है, इसके बावजूद मकामी लोगों के खिदमात नाकाबिले फरामोश है। अब जब मुसलमानों ने हिंदू श्रद्धालुओं की जान बचाने और राहत कामों में दिन रात काम करके इंसानियत का पैगाम दिया है, तो मीडिया शायद सच्चाई को आवाम के सामने इसलिए लाना नहीं चाहती क्योंकि आने वाले चुनाव में शायद हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश नाकाम हो सकती है। लिहाजा आज भी अगर TV पर देखेंगे तो उसी हिंदू मुस्लिम की बहस आपको देखने को मिलेगी। कश्मीर पिछले कई सालों से जल रहा है और सिर्फ हिंदू पंडितों को ही नहीं, मकामी मुसलमानों को भी दहशतगर्दी को अपनी चपेट में लिया है, लेकिन कश्मीर फाइल्स के जरिए सिर्फ नफरत को परोसने की कोशिश की गई। किस तरह कश्मीरियों के बारे में जहर घोलकर मजदूरी और सड़क के किनारे कश्मीरी शाल, कश्मीर कालीन बेचने वालों को हिंदुत्ववादियों ने निशाना बनाया और उन्हें पीटा, यही वो नफरती गिरोह है जो फिल्म ड्रामों के जरिए कश्मीरी मुसलमान और फिर इसी को भारत के मुसलमानों को जोड़कर तशद्दुद की तस्वीर में रंग भरता रहता है। मुस्लिम माशरे को जिस तरह कटघरे में खड़ा कर सियासी मुफाद हासिल किया जा रहा है, दरअसल मुस्लिम माशरे की असल तस्वीर को मस्क करने का मंसूबा है और ये पूरी दुनिया में देखा भी जा रहा है। सैकड़ों मुसलमान कश्मीर की उन कठिन वादियों में हिंदू श्रद्धालुओं की मदद करते हैं। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के रास्ते मकामी लोगों के लिए आसान तो रहते ही है, लेकिन जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं इनके लिए चुनौती भरा सफर होता है। खैर, तमाम बातों से यही साबित होता है कि हकीकत और फसाना दो अलग बातें हैं। इससे पहले भी कई कुदरती आफतों में मुस्लिम समाज बढ़ चढ़कर अपनी जानों की परवाह किए बगैर काम करते रहा है। पिछली मरतबा बाढ़ के वक्त पड़ोसी कोल्हापुर में भी या महाराष्ट्र के दीगर गांवों में भी किसी धर्म जात पात का लिहाज न करते हुए मदरसों मस्जिदों में खाने पीने रहने का इंतजाम किया गया। कई मंदिर बाढ़ की वजह से कीचड़ में डूब चुके थे, इसी मुस्लिम समाज ने इसे धोकर साफ किया। कोरोना के दौर में जहां अपने रिश्तेदारों के लाशों को पकड़ने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, वो यही समाज था जिसने हजारों हिंदुओं के लाशों का अंतिम संस्कार किया था। इसकी तस्वीर को बेलगाम में भी हमने देखा है। लॉकडाउन के वक्त गाड़ियों के पीछे भाग भाग कर पानी पिलाने वाला यही समाज था। दिगर लोगों ने भी किए हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में जिस तरह इस समाज ने काम किया इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी समाज की नस्ल कुशी का ऐलान करना, देश के गद्दार साबित करना या फिर भारत की सियासत से अलग थलग करने की कोशिश करना क्या सही है?
जब भारत की तहजीब और इसकी रूहानियत में भाईचारगी के जड़ें मजबूती से पैवस्त हो चुकी हों, तो आखिर अब यह नफरत क्यों परवान चढ़ रही है। वही दूसरी ओर मुस्लिम समाज आज भी उसी नहज पर काम कर रहा है। क्या जहर परसने वालों को जरा बराबर भी शर्म नहीं आती? आखिर देश को कहां ले जाना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश के करोड़ों की आबादी इस पर खामोश तमाशा ही बनी हुई है। रुपए लालच सरकारी एजेंसियों के जरिए डरा धमका कर हुकूमतें बनाई जा रही है। महाराष्ट्र कर्नाटक के साथ कई रियासतों में इख्तदार का तमाशा और पैसों की ताकत का नजारा देख चुके हैं। अब तो गोवा के भी 11 MLA भाजपा खरीद रहा है, इसी इत्तला हासिल हुई है। अग्निपथ के जरिए मुसलमानों के खिलाफ साजिश की बात कही जा रही है। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा सरे फहरिस्त रखकर खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को गालियां तक दी जा रही है। लिहाजा नफरत का खेल इससे पहले कभी इस मुल्क में इतनी बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया था। ऐसे वक्त में अमरनाथ यात्रियों पर आसमानी आफत बरसती है और वहां के मकामी मुसलमान बकरीद न करते हुए दिन रात खिदमात को अंजाम दे रहे, हिंदू श्रद्धालुओं को बचाने के काम में कमर कसते हैं। इसे किस पस मंजर में लिया जाए? ये तो उन्होंने अपने अखलाक की जिम्मेदारी का मुजहरा किया है, लेकिन क्या राजा सिंह जैसे जिनकी सुबह शाम मुसलमानों को गाली देकर होती है, जब इन्होंने खुद मुसलमानों के किरदार को नजदीक से देखा, क्या ऐसे लोग अपनी गलासत से बाज आएंगे? लिहाजा एक तरह से एक बार फिर मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाकर पैगाम दिया कि नफरत के पुजारियों को होश के नाखून लेने चाहिए। भारत की सियासत में मुस्लिम मुखालिफत का एक तूफान खड़ा किया जा रहा है, लेकिन याद रखना, हमेशा मोहब्बतें जीतती हैं, भाईचारा ही फतह पाता है। और इंशाल्लाह नफरती चिंटुओं को मुंह की खारी पड़ सकती है अगर थोड़ा अक्सरियत माशरा हकीकी आंखों से मंजर को देखना शुरू करे। हम सलाम पेश करते हैं उन कश्मीरी मुसलमानों पर जिन्होंने इंसानियत का पैगाम देते हुए बकरीद नहीं मनाई और अमरनाथ श्रद्धालुओं की जान बचाने के काम में लगे रहे। लेकिन आज जो यहाँ के लोकल्स हैं वो ईद छोड़ के यहाँ पे लोगों की मदद के लिए आए हैं, भंडारे वाले हों, पोनी वाले हों, या जितने भी पोर्टल तो घर नहीं गए ईद मनाने? नहीं नहीं नहीं, सब यहाँ तो काम है, यहाँ तो सेवा के लिए आए हम लोग। तो ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ रह के हमारा हौसला बढ़ाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज ईद का दिन है और ईद के दिन में ये लोग नीचे नहीं गए अपने घरों में और इस जगह पे आके, तो आप लोगों ने कुछ इंतजाम किया है कि नहीं? पक्का, यहाँ सेवियाँ हो रही हैं, यहाँ ईद बनाई जा रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यही है जो हम लोगों को मोटिवेशन देते हैं, जो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करते हैं। निश्चित रूप से ये सारे के सारे लोग जो हैं अपने घरों में नहीं गए ईद मनाने के लिए और इंडियन आर्मी के साथ मिलकर एक से एक कदम बढ़ा रहे हैं। कितना मुश्किल दौर है और आर्मी आप लोगों के साथ खड़ी है? बिल्कुल सर, आर्मी हमारे साथ खड़ी है, हम इनके साथ खड़े हैं, पूरे ताउन में हम सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल जल्द से जल्द यात्री शुरू हो जाए, हम शाना बशाना खड़े हैं सर, फौज के साथ, रेस्क्यू के साथ, हम रेस्क्यू खुद कर रहे हैं इनके साथ सर, हम पूरा मदद कर रहे हैं और पूरा ताउन कर रहे हैं इनके साथ सर। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सब लोग मिलके एक साथ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलके यहाँ एक साथ काम कर रहे हैं, यही हमारी मजबूती है। पहले हम इंसान हैं, हमें इंसानियत के लिए कुछ करना है, धर्म तो बाद में आता है, पहले एक इंसान जन्म लेता है सर। हमने कुछ ये नहीं देखना, ये हिंदू है, ईसाई है, सिख है, मुसलमान है, हम सब एक है, हम इंसान भाई भाई है सर। हमें इंसानियत के लिए काम करना है, दुनिया को यही दिखाना है हमें इंसानियत है, हमें इंसानियत के लिए और इंसानियत के लिए कुछ करो। आज एक 15 साल लड़की जिसे SDM हॉस्पिटल धारवाड़ में ब्रेन डेड के जरिए मुर्दा करार दिया गया था, इस लड़की ने अपने आजार डोनेट करते हुए 4 लोगों की जान बचाई। ये अपने आप में एक मिसाल कह सकते हैं। इस लड़के का दिल के लिए प्रभाकर कोरे अस्पताल लाया गया, जहां ग्रीन कॉरिडोर यानी जीरो ट्रैफिक के जरिए धारवाड़ से बेलगाम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उस लड़की के जिंदा दिल को एक लड़के में मुंतकिल कर दिया गया। इस लड़की की किडनी को SADM हॉस्पिटल और तत्वदर्श हॉस्पिटल में जर इलाज मरीज को मुंतकिल किया गया। इसी तरह गुर्दा बेंगलोर के अपोलो हॉस्पिटल में बजरी हवाई जहाज पहुंचाया गया। इन तमाम कार्रवाई खुसूसन ग्रीन कॉरिडोर में इंतजामिया का भी अहम किरदार रहा। इस तरह की बहुत कलील वारदातें देखी जाती है जहां इंसान मरने के बाद भी किसी और के काम आ जाता है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। लिफ्ट
First floor, first floor.